हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आलू पालक बैंगन की सब्ज़ी बनाने चल रहे हैं। ये ठंडी में बहुत ही टेस्टी आती है। ये देखिए, हमारा पालक है और ये सोया है, इसको हम धुल लिए हैं। और ये हम बैंगन लिए हैं, दो आलू और टमाटर, इसको सभी हम काट लेते हैं। ये हम सारी सब्जियां काट के धुल लिए हैं अच्छे से। ये हमारा पालक और सोया है, ये आलू पालक है, वो बैंगन और आलू है, और ये टमाटर है। इधर हम लिए हैं इसमें तड़का देने के लिए मिर्चा लिए हैं, अदरक है हमारा, लहसुन और प्याज, इसे हम बारीक काट के लेते हैं। ये कढ़ाई हम रख दिए, हमारी गर्म हो रही है। इसमें हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। तेल गर्म होने देते हैं तब तक। एक चम्मच हम इसमें पचफोड़न डाल रहे हैं। ये हम बारीक काटे हुए अदरक, लहसुन, मिर्च है हमारा हरा, और प्याज, इसको डाल रहे हैं। इसमें हम आलू और बैंगन डाल रहे हैं अभी। ये हम टमाटर काट के डाल दे रहे हैं इसमें। ये हम मसाला लिए हैं, आधा छोटा चम्मच हमारा हल्दी पाउडर है, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हमारा सब्जी मसाला है। ये हम पालक और सोया भी डाल दे रहे हैं इसमें। अब इसको मिला के ढक दे रहे हैं, पानी हम नहीं डालेंगे इसमें। इसको हम ढक देते हैं, अभी थोड़ा हमारा गल जाए तब हम नमक डालेंगे। रहे हैं सब्जी हमारी हल्का सा गल गई है, तो इसमें हम नमक भी डाल देते हैं। नमक डाल के अच्छे से मिला के हम ढक देते हैं, हमारी आलू और सभी सब्जियां अच्छे से पक जाए। देखिए खिली खिली। ये हमारी देखिए सब्जी इस तरह बन के रेडी हो गई है। ये देखने में इतनी स्वादिष्ट आती है तो खाने में भी रहती है। इसको हम प्लेट में निकाल रहे हैं। ये हम लोग बहुत पसंद करते हैं, ठंडी में अक्सर बनाते हैं ये सब्जी। ये हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कैसे बनी है कैसे नहीं। और हमारा तरीका पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।